हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मीनिंग, डेफिनेशन, इसके टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझने से पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है एक फर्म का, जो उनकी पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फर्म की जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर करता है। मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे फर्म में जो कुछ भी किया है, जो भी आपकी कंडीशन है, वो सब उस स्टेटमेंट में शो हो जाता है। उसी स्टेटमेंट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके डिफाइन किया जॉन एंड नायर ने। उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी जो अकाउंटिंग होती है उसकी पूरी समरी आपको कहाँ मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपने पूरे बिजनेस में क्या किया है, जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस किए होंगे उनकी पूरी रिकॉर्डिंग, जनरलाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग सब कुछ किया होगा, तो वो पूरा अकाउंटिंग बन गया। तो उस पूरे आपके इवेंट्स को, जो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स थे, जो ट्रांजेक्शन्स थी, उनकी आपने अकाउंटिंग कर ली है। अब वो अकाउंटिंग आपको इन समरी फॉर्म में, इन क्रक्स फॉर्म में जहाँ दिखते हैं, जहाँ मिलते हैं, वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो पेपर क्या होता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, वो बैलेंस शीट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपकी एसेट्स को, आपकी लाइबिलिटीज़ को, आपके पास कितनी कैपिटल है, ये सब एक पर्टिकुलर सर्टन डेट को, कि आज एज ऑन डेट आपके पास ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज़ है, ये कैपिटल है आज की डेट पे, राइट। इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इन समरी क्या मिलेगा, आपने पूरे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, पूरा ड्यूरिंग अ पीरियड आपने जो कुछ भी वर्किंग की है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो बेसिकली आपने साल भर क्या काम किया, क्या खर्चे किए, क्या कमाया, पूरे साल में आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो मिल जाता है पी एंड एल में। और एंड ऑफ द डे आपका 31 मार्च, जैसे एंड ऑफ द डे आपकी क्या कंडीशन है, आपके एसेट्स कितने दिख रहे हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी दिख रही है, कैपिटल क्या दिख रही है, ये सब चीज़ आपकी पोजिशन कहाँ पे है वो आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट से। तो ये बैलेंस शीट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब किसके पार्ट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट कहे जाते हैं, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं, उसमें बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप ड्यूरिंग द ईयर पूरा बनाते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना खर्चा किया, इनकम और एक्सपेंस, और हमारे पास नेट प्रॉफिट इतने का बचा, तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा आपका बैलेंस शीट या फिर पोजिशन स्टेटमेंट, जो एज ऑन डेट ईयर एंड पे बनता है, 31 मार्च को पी एंड एल भी बना, 31 मार्च को बैलेंस शीट भी, पर पी एंड एल ने आपको ये बताया कि साल भर आपने क्या क्या किया है, और बैलेंस शीट आपको क्या बताता है कि 31 मार्च को क्या कंडीशन है, आपके पास कितने की क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल का बात होता है, जबकि इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट में आपका पूरा एक्सपेंसेस और पूरी इनकम के जितने भी सोर्सेज हैं उन सब का डिस्कशन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजनेस कंसर्न ऑल्सो प्रिपेयर सम अदर पार्ट्स ऑफ अ स्टेटमेंट, लाइक जो इंटरनल पर्पज़ के लिए बहुत यूजफुल होता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कहा जाता है, जिसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। मतलब अगर पहले किसी का 25% की इक्विटी थी और अब उसका इक्विटी का जो ओनरशिप है वो चेंज हो रही है, 25 से 30 हो जा रही है या 25 से 15 हो जा रही है, तो उनके नाम, एड्रेस और सारी डिटेल्स जो होती है वो वहाँ पे मेंशन होती है। तो अगर किसी की ओनर्स इक्विटी जो है वो चेंज होती है तो उसका स्टेटमेंट, उसका डिटेल बनता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन, और फाइनेंशियल पोजिशन जैसे कैश फ्लो वगैरह की चीज़ें भी वो भी वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये सब कहाँ का पार्ट बन जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, एक ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स फर्म का, कि उसने क्या किया है पूरे साल, जो भी अकाउंटिंग की है, जो भी बिजनेस की है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसकी समराइज बैलेंस शीट, समराइज फॉर्म में उसकी पूरे साल भर का वर्क जो है वो आपको मिलता है कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो गया, तो यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जब हम इन्हीं फाइनेंशियल फैक्ट्स को जैसे एक फाइनेंशियल फैक्ट्स को किसी दूसरे फाइनेंशियल फैक्ट्स के थ्रू न्यूमेरिकली उसको कंपेयर करते हैं, उसमें रिलेशन ढूंढते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वन फाइनेंशियल फैक्ट विद दी
अदर, तो एक का दूसरे फाइनेंशियल फैक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं पर ग्राफिकल मैनर में नहीं, किसमें, न्यूमेरिकल मैनर में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एनालिसिस कहलाता है। और ये हम क्यों करते हैं, टू मेज़र, हम इस एनालिसिस के थ्रू मेज़र कर पाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, राइट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिनेरियो, पहले क्या कमाया, अभी क्या कमाया, किस रेट से कमा रहे हो, तो ये पूरा आपका ग्रोथ वगैरह सब इसी प्रॉफिटेबिलिटी से, तो ये इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम बता पाते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आप कितने इफेक्टिवली अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हो, आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कम खर्चा कर रहे हो, आपने कम कॉस्टिंग में, कम एक्सपेंसेस में आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट आपने सेम कमाया पर खर्चा ज़्यादा कर दिया इसलिए लॉस हो गया, तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपकी वर्किंग कैसी रही है, वो ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है समझने में। इसके अलावा सॉल्वेंसी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, उसके मतलब फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा, और उसकी सॉल्वेंसी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, मतलब पैसे डूब जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी, ऐसा सिनेरियो तो नहीं होगी, तो उसकी सॉल्वेंसी की कंडीशन क्या, तो कितना स्ट्रांग है वो फाइनेंशियली, ये बात भी हमको इसी एनालिसिस के थ्रू पता चल जाता है। तो हम ये जो रिलेशनशिप और ये फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप या उनको एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये इसी सिर्फ ये मेज़र करने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, और सॉल्वेंसी और ग्रोथ का क्या कंडीशन है, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप एनालिसिस, दूसरा होता है वर्टिकल एनालिसिस। पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस के अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस भी कई जगह कई बुक्स में मेंशन रहती हैं। पर ये क्या चीज़ें होती हैं आप समझिएगा। देखिए, एनालिसिस करना तो हम समझ गए कि भाई आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, आप एक पता करना चाह रहे हो, ट्रेंड पता कर रहे हो, या फैक्ट्स पता करना चाह रहे हो कि अभी क्या है, पहले क्या था, या इसका इससे क्या रिलेशन है, कितना ज़्यादा कितना कम, ये सब चीज़ें ही एनालिसिस कहलाती हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या बताया गया था, वहाँ दिया गया था कि जब विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट जब अपनी ही चीज़ों को एनालिसिस कर रही है, अपनी ही वर्किंग को खुद ही से सब कुछ एक्युमुलेट कर रही होती है, तो वो इंटरनल एनालिसिस होता है कि हम क्या कैसे थे, क्या कर रहे हैं, ऐसे, तो वो इंटरनल हो गया। वहीं एक्सटर्नल एनालिसिस, जब ये एनालिसिस किसके थ्रू किया जाता है, ये एनालिसिस किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पर्सन नहीं है। इंटरनल में विदिन द ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के थ्रू या विदिन द ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल में क्या होगा कि ये एनालिसिस किसके थ्रू किया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, है ना, ये लोग फर्म्स से रिलेट करते हैं, डायरेक्टली नहीं, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, वो एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट कंपनी में है क्योंकि उनके पैसे वहाँ लगे हुए हैं। तो जब वो लोग एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इंटरनल एक्सटर्नल है, पर बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है वो कौन कौन सी है, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक वर्टिकल एनालिसिस। तो हम पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस of financial statement involves comparison of financial ratio, a benchmark or a line item over a number of accounting periods. देखिए, horizontal मतलब एक आप एक तरीके से horizontal को कैसे समझते हैं, एक sleeping line की तरह, ना, sleeping line है। तो इसका मतलब स्लीपिंग लाइन कैसे, एक साल बीता, दो साल बीता, तीन साल, तो ये कैसे ऐसे समय बीतता चला जा रहा, तो एक स्लीपिंग लाइन बन जा रही है, 17 आया, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21, 22, तो एक स्लीपिंग लाइन फ्रेम हो रही है, राइट। तो जब हम अपने एक अकाउंटिंग पीरियड का डेटा दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के डेटा से कंपेयर करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली एनालिसिस करना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैंने 2021 के डेटा को 2020 के डेटा से कंपेयर कर लिया, 2018 के डेटा को 2019 के डेटा से कंपेयर कर लिया, हमने ये जानना चाहिए कि हम 18 में कैसे थे और हम 19 में कैसे हैं, तो ये जो हमारा कंपेरिजन का बेस है वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। तो दिस मैथड ऑफ एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ट्रेंड एनालिसिस। इसी मैथड के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को समझ पाते हैं। आप जैसे आप देखते हो कि ग्राफ बनता है ना, कि कैसा ग्राफ, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, ट्रेंड कैसा है। तो अगर आपने 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से हर साल के ईयर्स को कंपेयर किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि हम कॉन्स्टेंट ग्रोथ पे हैं, डिक्लाइन में हैं, मैच्योरिटी पे हैं, हम किस फेज़ में जा रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, हम कभी ऊपर कभी नीचे कैसे हम कर रहे हैं, तो पूरा ट्रेंड आपको एनालिसिस हो पाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के थ्रू, राइट। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अलाउ द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन डिफरेंट आइटम ओवर अ टाइम। तो पर्टिकुलर एक आइटम, जैसे मान लीजिए मैंने सेल्स पकड़ा, तो सेल्स का ओवर अ टाइम पीरियड, सेल्स
18 में कितनी की हुई थी सेल्स, 19 में कितनी हुई सेल्स, 20 में कितनी हुई सेल्स, 21 में क्यों हुआ। तो हर एक आइटम्स में हम रिलेटिव चेंजेस को देखते हैं डिफरेंट ओवर अ टाइम पीरियड, कि अलग अलग समय में उस पर्टिकुलर एक सिंगल आइटम में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं, इंक्रीज हो रहा होता है, हो सकता है डिक्रीज हो रहा हो, डजेंट मैटर, पर हम उसको एक आइटम को, सिंगल आइटम्स को हम इस तरह से चेंज चेक करते हैं अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे इसलिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखी हुई है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एक मैंने 2008 का फिगर ले लिया, एक 2007 का फिगर ले लिया, ठीक है, और हमने बैलेंस शीट की फिगर उठाए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है आपको। अब यहाँ समझते हैं, तो हमें कंपेयर कैसे किया, एनालिसिस कैसे किया, 2008 की फिगर 2007 की फिगर, 7 में क्या कंडीशन थी, फिर 2008 में क्या कंडीशन आई, तो हमने 7 को 8 से कंपेयर किया है। जैसे करंट एसेट्स, कंपनी के जो एसेट्स में करंट एसेट्स थी वो 2008 में 5,50,000 की हो गई, और 2007 में वो कितनी थी, 5,33,000। तो 7 में कम थी, 8 में वो बढ़ गई है। तो अब ये क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं, यही एनालिसिस हो गया। तो हमने क्या एनालिसिस करके पाया कि भाई इस बार आपकी करंट एसेट्स बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई, 17,000 से। कैसे आपने किया, आपने 533 को 550 से लेस कर दिया, तो 7 में आप 533 थे और आप यहाँ 550 हैं, तो 17 से आप क्या कर दिए, इस बार आप इंक्रीज हो गई आपकी करंट एसेट्स। अब हम इसको परसेंटेज में देखना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि भाई डिफरेंस 17,000 की हमारी इंक्रीज हुई है, और कितने से इंक्रीज हुई है, तो 17,000 डिवाइडेड बाई 533, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई बेस ईयर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, आप 8 को 7 से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपने डिफरेंस देखा, डिवाइडेड बाई क्या किया, बेस ईयर किया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो आपको जो चेंजेस हैं वो परसेंटेज में मिल जाते हैं। इसी तरह सारे आइटम्स के आप देखेंगे यहाँ पे आपका परसेंट चेंजेस में दिया गया है, तो आपको पता चल रहा है कि हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स 7 में आपकी 1230 थी ना, और यहाँ पे कितनी हो गई, 1139 हो गई, इसका मतलब आप 91,000 से क्या कर गए, आप डिक्रीज कर गई आपकी एसेट्स, राइट। तो ये जो है ये एनालिसिस का पार्ट हो गया आपका, आपकी कौन सी एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। तो ये वर्टिकल क्या हो गया, एक स्टैंडिंग लाइन की तरह है ना, वर्टिकल एनालिसिस मतलब आप अपनी ही एक ही ईयर में खड़े रहेंगे, और एक ईयर में खड़े होके आप अपने एक आइटम को बाकी के आइटम से कंपेयर करने वाले हैं, मतलब उसका उससे रिलेशन ढूंढने वाले हैं, दैट इज़ वर्टिकल एनालिसिस। जैसे वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टेक्निक इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाई बाई एक्सप्रेसिंग ऑल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट्स। तो यहाँ पे हम कैसे ऐसे करते हैं कि भाई सेल्स है, अगर सेल को मैंने 100 मान लिया, तो अब हमने एक्सपेंस कितना किया, तो एक्सपेंस के परसेंटेज को हम सेल्स पे निकाल दिए। हमने इनकम कितनी कमाई, इनकम को हमने सेल्स पे निकाल दिया, है ना। इसी तरह हर एक चीज़ को हम किस पे निकाल रहे हैं, सेल्स पे। तो हमने सेम अकाउंटिंग ईयर में जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, वो सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक आइटम का बाकी आइटम से रिलेशनशिप ढूंढते हैं, है ना, एक अमाउंट्स का बाकी टोटल अमाउंट्स में क्या इंपैक्ट है, क्या रिलेशन है, वो ढूंढते हैं। तो दैट इज़ वर्टिकल एनालिसिस। दिस मेथड कंपेयर्स अ डिफरेंट आइटम टू अ सिंगल आइटम इन अ सेम अकाउंटिंग पीरियड्स। अब हम सेल जो है हमारी एक सिंगल आइटम हो गई, अब हम सेल्स से कंपेयर करेंगे बाकी डिफरेंट आइटम्स को, कि सेल का एक्सपेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सेल का रेवेन्यू पे क्या, सॉरी सेल्स का अदर इनकम से क्या रिलेशन है, तो हम सबसे उसकी परसेंटेज निकालने वाले हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमने एक्सेल शीट का एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें एक्सेल में करनी होंगी तो आप कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने रेवेन्यू ले लिया, कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, है ना, ये सारे एक्सपेंसेस ले लिए, फिर आपका ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, नेट इनकम, ये हमने यहाँ पे एक ले लिया आपका फॉर्मेट कि भाई रेवेन्यू इतनी आई, सेल्स ये वैरी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ये वैरी करेगा, ठीक है, पर हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। अब हमने 2018 की फिगर ले ली कि ये फिगर है, रेवेन्यू इतने का हुआ, सेल इतने की हुई, ग्रॉस प्रॉफिट इतने का आया। अब वर्टिकल एनालिसिस क्या कहता है, वर्टिकल एनालिसिस कहता है सेम अकाउंटिंग पीरियड में आप खड़े रहिए, और किसी एक को, सिंगल आइटम को आप बेस बनाएंगे, और बाकी डिफरेंट आइटम्स को आप उसी से कंपेयर करेंगे, यही तो कहता है वर्टिकल एनालिसिस, राइट। तो अब हमने कैसे कर दिया, हमने यहाँ पे रेवेन्यू को 100% मान लिया, इसका मतलब हमने किसको बेस बना लिया, रेवेन्यू को बेस बना लिया। तो जो सिंगल आइटम जिसको हम बेस बनाने वाले हैं वो कौन सी हो गई, रेवेन्यू, तो इतने की रेवेन्यू हुई, सेल्स आपकी इतने की हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कितने का हुआ वो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया गया। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल का किस पे परसेंटेज ढूंढेंगे, रेवेन्यू पे परसेंटेज ढूंढेंगे कि भाई 125 में कितना परसेंट बनता है, है ना, हमने उसका परसेंट देखा, तो हमने कितना पाया, 55% पाया, 55.9, इसका मतलब
जो आपकी सेल करने में कॉस्टिंग आई है वो आपके रेवेन्यू का 55% है। इसी तरीके अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या आपका 44, आप जितना सेल किए हो उसका 44% आपने प्रॉफिट कमा लिया है, राइट। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो 22% का आपने एक्सपेंस कर रखा है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया कि आपकी सेल इतनी है और उसके उस पर हमने बाकी आइटम्स को कंपेयर किया। तो जब आप करने जाएंगे, ये परसेंट निकाले जाएंगे, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो जैसे यहाँ पे हो गया B6। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट बी उसमें है और देखिए नंबरिंग क्या है, 6 नंबर है, रेवेन्यू 225, तो ये B6 है। और डिवाइडेड बाय B$6 क्यों कर दिया? क्योंकि एक्चुअली हम इसी को ही इसी से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो 100 आ गया, 100% हो गया। अब इसी तरह 7 को देखते हैं, बी आपको देखिए आपको कंपेयर किसको करना है, 125 को, पर करना किससे, सिंगल आइटम कौन है, रेवेन्यू ही है। तो हमने क्या किया, B7 लिखा, पर डिवाइड बाई क्या करेंगे, B6 ही करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डॉलर कर दिया। अब हम सबको इसी रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, तो 125 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को करेंगे, तो B8 लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, वही 225.4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यही चीज़ आपकी पूरा फॉर्मूला बन जाएगी और आपका रियल आंसर जाएगा। ये क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल एनालिसिस करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस होता है वो करते क्यों है, सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स या ओनर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी का पता रहता है कि प्रॉफिट किस रेशियो से आपका हो रहा है, कितना आप ग्रो कर रहे हो, कॉन्स्टेंट ग्रोथ है या इंक्रीजिंग ग्रोथ है, क्या आपका ट्रेंड है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना, अभी एसेट्स क्या है, अभी लाइबिलिटीज़ क्या है, आपका डेप्ट इक्विटी का रेशियो क्या चल रहा है। तो आप उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हो, है ना, आप कितने सॉल्वेंट हो, ये सब चीज़ें। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस फ्यूचर में क्या करने वाला है ना, क्या प्रोजेक्ट्स है और क्या चीज़ें रखेंगे, इसके लिए ये लोग एनालिसिस करते हैं। वहीं मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों करता है, वो सॉल्वेंसी के लिए करता है, कि शॉर्ट टर्म सारी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए आपकी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए फर्म की कंडीशन कैसी है, लायबिलिटी क्या क्या है फर्म पे, मैनेजमेंट को इनसे मैटर होता है। और साथ में वो देखता है कि जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनसे उनके प्रॉफिट का क्या रिलेशन है। वहीं बात करें सप्लायर और क्रेडिटर की, तो वो क्यों करते हैं, सप्लायर और क्रेडिटर को अपना पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन की, अभी आपकी क्या कंडीशन है, तभी तो आपके यहाँ पे वो आपको उधार माल देंगे, है ना, वो आप पे विश्वास करेंगे, वो आपके प्रॉफिट को देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट कमा रहे हो तभी तो उन्हें आप लोन दे उनका पैसा रिपे कर पाओगे। तो वो क्या है, वो आपको उधार दिए हैं, तो वो हमेशा क्या चेक करना चाहेंगे कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है कि मेरा उधार वापस कर पाओ। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, आपकी प्रॉफिट की कंडीशन देखेंगे, आपकी सॉल्वेंसी चेक करेंगे कि आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कैसे मीट करते हो, लॉन्ग टर्म को कैसे मीट करते हो, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है आपकी, पैसे को आपके पास पैसा कितनी जल्दी इन कैश आ जाता है, क्योंकि जब तक कैश नहीं आएगा आप मुझे क्या रिपे करेंगे। तो सप्लायर क्रेडिटर को इससे मतलब होता है। वहीं बैंकर्स और लेंडर्स, उन्होंने उधार दे रखा होता है, उनको भी सेम चीज़ों से मतलब हो जाता है। पर यहाँ पे सप्लायर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बैंकर्स और लेंडर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन को क्या मतलब, उनको अपने पैसे से मतलब है, अपनी सैलरी से मतलब है। तो वो क्या देखेंगे कि आप कंपनी अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, और प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। कहते हैं ना कि कंपनी डूब रही है, कंपनी की कंडीशन ख़राब है, तो कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन, इनको सिर्फ इससे मतलब है, राइट, वो इसलिए एनालिसिस करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज प्रॉफिट देखती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखती हैं, ग्रोथ देखती हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर टैक्सिंग और बाकी चीज़ों को ध्यान देंगी। और रिसर्चर्स को सब चीज़ों से मैटर होता है कि तुम्हारा, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में नए डिसीजंस लेंगे, रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है आपकी, तो वो आपके प्रॉफिट, आपकी ग्रोथ, आपकी पोजीशन, आपका फ्यूचर क्या में क्या ओरिएंटेशन है, फ्यूचर ओरिएंटेशन आपकी कैसी है, वो सब चीज़ें एनालिसिस करेंगे। तो ये रीजंस होता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है अलग अलग पर्सन के थ्रू। सब अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से एनालिसिस करते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल एनालिसिस। सो क्या क्या है, जजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को जज करने के लिए एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट का, मान लीजिए प्रॉफिट का हम कर रहे हैं, तो हम ये चेक कर पाएंगे कि हाँ भाई प्रॉफिट पिछली बार ज़्यादा है, इस बार कम है, तो क्यों कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप मान लीजिए आप वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये चेक कर पाएंगे कि पिछली बार आपने जितना भी रेवेन्यू थी उसका सिर्फ 40% आपने एक्सपेंस किया था, और इस बार आपका एक्सपेंस बढ़ गया, आप 50% एक्सपेंस कर दिए, तो आपकी वर्किंग क्या है ये जज करने के लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट को मेजर करने के लिए, ग्रोथ कैसी है, कितना कमा रहे, 10% से प्रॉफिट कमा रहे, 15% से कमा रहे, प्रॉफिट को मेजर करने के लिए भी एनालिसिस जरूरी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करने के लिए कि ऑब्लिगेशंस को मीट करने की कंडीशन कैसी है, आप इस कंडीशन में तो हो गया, आप अपने डेब्ट का रिपेमेंट कर पाओ, जो 15 साल के बाद डेब्ट रिपे करने हैं, तो क्या कंडीशन ऐसी है कि 15 साल तक आपका बिजनेस चल पाएगा, आप 15 साल के बाद वाले डेब्ट को रिपे कर पाओगे, शॉर्ट टर्म जो अभी इस साल देने हैं उन डेब्ट को रिपेमेंट करने के लिए आपके पास कैश अवेलेबल है या नहीं है। तो ये इसके लिए भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है।
इंडिकेटर इज ट्रेंड ऑफ अचीवमेंट. तो ट्रेंड ऑफ अचीवमेंट वो आपको बताता है, उसको इंडिकेट करता है आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपका आपकी अचीवमेंट है, तो अब वो आपको बता देता है. जैसे आप उसके हिसाब से आगे की पॉलिसीज फ्रेम कर पाते हो. कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ग्रो कैसा करेगा, वो एसेस करने में एनालिसिस करने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो हेल्प करता है. इसी तरह इंटरफर्म कंपैरिजन. इंटरफर्म कंपैरिजन मतलब हम अपने ही फर्म को किसी अपने ही सेम नेचर के बिजनेस वाली मार्केट में जो दूसरी कंपनीज हैं, दूसरी फर्म हैं, उनसे कंपेयर करते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि बाकी कंपनीज कैसा काम कर रही हैं और हमारी एफिशिएंसी कैसी है सेम कैपिटल और बाकी कंडीशंस में. ये तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. विश यू ऑल द बेस्ट.